हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रेयादी ब्लॉग्स। सो गोवा ट्रिप्स की बहुत सारी ब्लॉग्स के बाद एक बार फिर से मैं आप सबका मेरे खुद के डेली ब्लॉग्स में वेलकम कर रही हूँ। बड़े दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ बिकॉज गोवा ट्रिप की इतनी सारी ब्लॉग थी कि मैं एकदम बेफिक्र थी एक महीना। तो अभी जो है मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे प्यारे फ्रिज का फिर से जो है सफाई। बहुत दिनों से इसकी सफाई तो होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है, बट अभी काफ़ी वक्त से मैंने इसकी सफाई की नहीं थी एंड इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो एक एक करके मैं ख़त्म कर रही थी। एंड अभी मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि बारिश का टाइम है और बहुत ज़्यादा लाइट्स जाती है हमारे यहाँ पर, तो चीज़ें जो है मेरी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की चांसेस हो रही है। गोवा ट्रिप से तो आ गई बट चेहरा मेरा अभी तक कुछ क्लियर हुआ नहीं है, पूरा चेहरा बिगड़ गया है। सो आज छुट्टी लिया है मैंने, बेसिकली मैं जाने वाली थी ऑफिस बट क्योंकि दीपक ने भी कहा कि ले लो छुट्टी बिकॉज वो दो दिन थे ही नहीं, वो गए थे लोनावला एंड सोचा कि दीपक ने बोला कि छुट्टी ले लो तो मैंने ले लिया छुट्टी। एंड अभी क्या है ना मैं पानी वगैरह मेरा ऑलमोस्ट बाकी का जो काम था वो हो गया था, अभी मुझे सिर्फ लादी पोछनी है, झाड़ू मारना है, तो मैंने सोचा वो करने के साथ साथ मैं ये भी कर देती हूँ। तो मैं पहले तो आपको एक बार फ्रिज का हाल बता देती हूँ। वैसे मैंने फ्रिज को अभी थोड़ी देर पहले खोला था तो खोलने के टाइम पे मैंने इसको पूरा टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ कर दिया था, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। तो ये मेरे फ्रिज का हाल है और इसको अभी हमें क्लियर करना है एंड इसको क्लियर करने में भी मुझे कितना टाइम जाएगा आई डोंट नो, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपको बताओ। एंड ये सारी चीज़ें मुझे जो है पूरी निकालनी होगी, पूरा फ्रिज धोना होगा एंड देन उसको दोबारा से फिर से सेट करना होगा बिकॉज फ्रिज का हाल आप देख सकते हो क्या हो रहा है। एज वेल मैंने सोचा है कि मैं अपने फ्रिज को जो है एक बहुत जल्दी एक न्यू मेकओवर दूंगी एंड वो मेकओवर में जो है मैं मेक श्योर करूंगी कि यू नो अभी जो फ्रिजेस के बहुत सारे डब्बे आने लग गए हैं तो उसके अंदर हम चीज़ें रखें तो वो बहुत अच्छा लुक देता है, तो वो सारी चीज़ें मैं करूंगी बहुत जल्द एंड उसका भी ब्लॉग में शेयर करूंगी मैं जब भी करूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी है मेरे लिए, मैं चाय पी रही हूँ अभी, एक बार चाय वगैरह हो जाएगी मेरी पी के देन मैं इसके लिए जाऊँगी। एंड ये देखो मेरे फ्रिज पर मैंने जो यहाँ पर मैंने जो गोवा से लेकर आई थी वो सारी चीज़ें लगाई है, अनफॉर्चुनेटली इसको हम आगे नहीं लगा पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये साइड में एक्चुअली लग रहा है क्योंकि हमारा जो फ्रिज है वो ये साइड से जो है आप बोल सकते हो कि मतलब उसमें चुंबक बहुत इजीली लग जाता है बट ये साइड नहीं लगता है क्योंकि ये साइड पूरा कांच का है। सो इस वजह से वैसे कल मैंने इसको ऊपर से पोंछा था थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं यार उसको, कॉलिन लगा के अच्छी तरीके से पोंछा था बट अभी इसको मुझे अंदर से भी थोड़ा सा पोंछना है। तो मैंने इसको है ना अभी क्या किया है ना फ्रिज को हाल फिलहाल के लिए मैंने इसका फ्रिज का जो स्विच है वो ऑफ करके उसका वायर निकाल दिया है क्योंकि ये जो हमारा जो पार्ट है फ्रिज का ये पूरा मुझे धोना पड़ेगा आज सब कुछ निकाल के। ये जो आप देख रहे हो ना पार्ट, ये जो है स्टील का पार्ट है तो यहाँ पर ना मुझे लगता है करंट, तो ये अभी पूरा धो दूंगी मैं स्पंज से पूरा अंदर से वगैरह एंड इसको पोंछ दूंगी एंड मैं किस तरीके से क्या क्या कर रही हूँ ये मैं सब कुछ आपको अपने ब्लॉग में बताऊँगी। ठीक है तो पहले मैं चाय पी लूँ एंड उसके बाद फिर हम हमारा काम स्टार्ट कर देते हैं।
गाइस, मेरी अभी जो लादी फर्श वगैरह जो पोछना था ये सब हो गया है, एंड वो भी आप देख सकते हो। मैंने बहुत वक्त से जो है हमारा जो मैंने प्लांट्स लेकर आए थे आर्टिफिशियल प्लांट्स, वो भी मैंने काफ़ी वक्त से धोए नहीं थे, काफ़ी गंदे हो गए थे, तो वो भी मैंने धो के डाल दिया है। होपफुली बारिश ज़्यादा ना लगे तो वो भी सूख जाएगा, कपड़े भी मेरे सूख जाएंगे। अगर बारिश लग गई तो बेमतलब का गीला रह जाएगा एंड उसमें स्मेल लगना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर मुझे उसको फ़ैन में सुखाना पड़ेगा। तो अभी मैं टाइम ज़्यादा मुझे नहीं लगता है मुझे वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर मेरा टाइम कब ख़त्म हो जाता है ना मुझे समझ में ही नहीं आता है। सबसे पहले तो मुझे ये डब्बे हटाने हैं, आई डोंट नो कितना ही हटा देंगे ना। एक्चुअली ये फ्रिज के डब्बे हैं, फ्रिज के अंदर कोई चीज़ हम रखते हैं फिर वो खाली हो जाती है, फिर उसको वहाँ से हटा के ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये सब कुछ करना, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्रिज को जो है आगे करूँगी, ताकि इसमें मैं पानी वगैरह डाल के इसको मैं बाहर उबार निकाल सकूँ। एंड मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि मैं ऊपर से वाइपर वगैरह भी लेकर आऊँ, ताकि मुझे ज़्यादा इसको पोछते वोछते बैठने की पानी वगैरह को नीड ना पड़े, तो मैं वो भी एक करूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको कैमरे को यहाँ पे सेट कर देती हूँ, ताकि आपको प्रॉपर फ्रिज का पूरा लुक देखने के लिए मिले। स्टार्ट करते हैं एंड ये सारी चीज़ें जो है पहले तो मैं इसको निकाल लेती हूँ वन बाई वन करके, एंड मुझे भी समझ में आएगा कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रखी है, जो कि मुझे नहीं याद है कि मैंने कौन सी चीज़ें लाई थी एंड मैंने इसको कहाँ कहाँ रखा था। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले छाला ले लूँगी, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर दूँगी। प्लीज बड़ा होना इज नॉट द बिग डील, प्लीज को साफ करना इज बड़ा डील। तो गाइज़ मैंने मेरा फ्रिज ये देख लीजिएगा पूरा खाली कर दिया है, एंड स्टिल ये वाला पार्ट अभी भी बाकी है, एंड यही वाला पार्ट जो है मुझे खाली करने के लिए अराउंड मतलब 15 से 20 मिनट जो है पूरे लग गए पूरा खाली करने के लिए, एंड इसको भी पूरा धोना है फ्रिज को। दिस इज़ व्हाट आई हैव इन माय फ्रिज राइट नाउ, इतनी सारी चीज़ें मेरे फ्रिज में स्टोर की हुई थी एंड स्टिल अभी भी इतनी सारी चीज़ें बाकी है। इसके अलावा वहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें रखी है, क्योंकि यहाँ पे जगह फुल हो गई थी एंड मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरी लादी वगैरह पहुँची है, तो फिर डबल डबल नहीं कर सकती मैं यार, बहुत थक जाऊँगी मैं ये सब करने तक। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी फ्रिज को थोड़ा सा आगे करना है एंड देन फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ। सो गाइस फाइनली मेरा ये वाला पार्ट हो गया है, ये पूरा साइड मैंने घस के धो दिया है, प्लस ये वाला जो साइड है ये भी मैंने पूरा घस के धो दिया है ऊपर से नीचे तक। ये वाला जो डोर का जो पार्ट है ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बचा ये वाला पार्ट मैं एक बार धो दूँ, देन मैं फ्रिज को साइड में कर दूँगी एंड देन ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी नदी बन चुकी है, क्योंकि मैंने पानी उतना होता है तो पूरा पानी होते होते तो पूरा पानी जो है ये एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, ये पानी यहाँ से निकल के वहाँ से जा रहा है एंड देन मैं आपको बताती हूँ ये पूरा पानी ना यहाँ तक, ये देखिए एक बार ऐसे ही करते करते मैं गिर गई थी, तो ये पानी यहाँ से फ्लोट होकर सीधा वॉशरूम के अंदर जा रहा है, तो वो एक थोड़ा सा मेरी मेहनत बच जाएगी यहाँ पे। सो ये सब जो पार्ट है ये सब मैं बाद में धूंगी, अभी मैं ये वाला पार्ट अपना जो है ये क्लियर करके ले लेती हूँ। हे गाइस फाइनली मेरा ये पूरा पार्ट जो है ये धोके हो गया है, आप देख सकते हो। एंड मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता देती हूँ कि ये इतना सा ही पार्ट मेरा जो है साफ़ करने में मुझे तकरीबन जो है एक घंटा हो गया है, एक घंटे से मैं इसको क्लियर कर रही हूँ एंड इसको घस के मैंने पूरी तरीके से धो दिया है। अभी जो है ना मैं क्या करूँगी, ये वाला पानी पूरा जो है निकाल के साफ़ करूँगी एंड फ्रिज को ये साइड कर लूँगी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ हम लोग जल्दी फ्रिज निकालते नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये देख लो आप, ये मुझे दिखाते हुए शर्म आ रही है पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए मुझे ये फ्रिज को पहले साइड करना पड़ेगा एंड उसके लिए पहले मुझे पानी क्लियर करना पड़ेगा। वंस ये पूरा हो जाएगा क्लियर, उसके बाद जो है मैं फ्रिज को जो है जगह पे रखूँगी एंड देन ये सारी चीज़ें जो है मुझे देन क्लियर करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए घंटा भर मेरे ख्याल से मुझे लगेगा इसको भी क्लियर करने के लिए, यानी ये फ्रिज को प्रॉपर कितना टाइम लगाना मुझे साफ़ करने के लिए ये मैं ज़रूर बताऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हाल फिलहाल तो ये आप देख सकते हो फ्रिज मेरा, तो चलो अभी ये सब कुछ होने के बाद मैं आपको एक बार क्लियर करके देन बताती हूँ।
सो गाइज, अभी मेरा यहाँ का सारा काम मतलब ऑलमोस्ट फ्रिज वगैरह हो गया है, एंड जो मैंने आपको गंदगी बताई थी वो साफ करते करते और भी साइड से पूरा बहुत सारा गंदा निकला, एंड वो मैं नहीं बता सकती थी क्योंकि इतना गंदा था कि मुझे खुद ही घिन आ रही थी। एंड बोलते हैं ना, एक चीज़ निकालते हैं तो दो तीन चीज़ें और बढ़ जाती है। मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ, अभी हो रहे हैं 10:55 एंड मैंने 9:30 या फिर 9:15 के आसपास, 9:15 के आसपास आई थी, तो मैंने काम स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो 9:15 भी नहीं, 9:30 पकड़ लो आप। 9:30 से मैंने काम, मेरा फ्रिज वगैरह जो पोंछना था वो मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और अभी हो रहा है 10:55 एंड अभी मेरा सिर्फ फ्रिज धुला है एंड साइड का जो है अभी बाकी है, स्टिल बाकी है, क्योंकि मैं जब से कर रही थी ये, अभी देखो मैंने आपको ये वाला पोर्शन बताया था, ये वाला पोर्शन साफ हो गया, तो ये वाले पोर्शन में गंदगी निकल गई, तो वो भी मुझे पोछना ज़रूरी था ऑब्वियसली। अभी मैं थोड़ा सा मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसको साइड टू साइड से थोड़ा सा पोछ दूँगी एंड देन मैं उसको सेट करूँगी इसकी जगह पर, एंड देन फ्रिज को साइड में करके फ्रिज को सूखने डाल दूँगी, एंड देन मैं बाहर चले जाऊँगी बाहर का पोछने के लिए। एंड जैसे ही मेरा ये सब कुछ होगा उसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा वीडियो शो करूँगी कि मैंने किस तरीके से पूरा सेटअप किया, एंड देन हमारा फ्रिज हम किस तरीके से सेटअप करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, मैंने ना मेरा फ्रिज यहाँ पे पूरी तरीके से सेट कर दिया है, बट इसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि ये देख लीजिए इतना पसारा हो गया है ना, जैसे कोई हद नहीं है। अभी ये पूरा क्लियर करना है एंड मुझे इसको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे इसको क्लियर करना है। ये देख लीजिए, मैंने आधी चीज़ें तो मैंने धोधा के रख दी है, बस अभी मुझे आधी चीज़ें और फटाफट करनी पड़ेगी। थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है तो ये सब मुझे जल्दी जल्दी क्लियर करना पड़ेगा, एंड शायद बाजू में किसी की डेथ हो गई है तो मुझे ये सब कुछ फटाफट अभी हटाना पड़ेगा। एंड जैसे ही एक बार क्लियर हो जाएगा, एक लास्ट लुक मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगी एंड ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी। तो ये सब आपको मैं दिखा देती हूँ फटाफट करने के बाद, एंड ब्लॉग के साथ बने रहो। एंड चलो ये सब होने के बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ। गाइज़ ये देख लीजिएगा, मैंने इसको पूरी तरीके से अभी जो है सब कुछ पोंछ पाछ के सब कुछ सेट कर दिया है। अभी मुझे सारी चीज़ें सिर्फ इसके अंदर रखनी बाकी है, तो वो भी मैं अभी जल्द से जल्द रख देती हूँ, बिकॉज कोई आ जाएगा तो फिर मुझे ये कुछ करने भी नहीं मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये देख लीजिए, ये पूरा सामान मेरा यहीं पर पूरा बिखरा पड़ा है, तो ये जब से मैं कम से कम 6 से 7 बार मैंने जो है सिर्फ ज़मीन ही पोंछ ली है क्योंकि इतना गंदा हो गया था हमारा किचन। एंड अभी ऐसा है ना, मुझे ये सब कुछ जल्दी जल्दी उठाना पड़ेगा और फ्रिज में रखना है, हर एक चीज़ पोंछ के फिर ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से दाग लग जाएंगे या फिर कोई मेहनत वेस्ट हो जाएगी, प्लस कोई आ जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। 9:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था एंड अभी जो है कितने बज रहे हैं मैं बताती हूँ आपको, 1:15 हो रहा है और अभी तक मैंने फ्रिज में सामान नहीं रखा है, यानी आप सोचो इसको मुझे साफ़ करने में कितना टाइम लग गया। सो अभी ये सारे जो बर्तन मैंने निकाले हैं, ये सारे सब कुछ जो है मुझे क्लियर करके फिर रखना है अंदर अच्छी तरीके से पोंछ कर, एंड देन एक बार ये सब कुछ मैं अंदर रख दूँगी ना, उसके बाद मैं लास्ट आपको वीडियो में शो करूँगी कि मैंने किस तरीके से सेटअप किया है, बिकॉज अभी मैं सेटअप करते हुए आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो भी ट्रेजेडी हमारे बाजू में हुई है। सो ये सब क्लियर करके देन मैं आपको शो करती हूँ। गाइज फाइनली मेरा सारा काम हो गया है एंड फाइनली ये फ्रिज का सेटअप हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ टाइमिंग, 3:49 हो रहे हैं, यानी मैंने 9:30 पकड़ के चली, मैं 9:15 भी नहीं बोल रही, 9:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था। और आज खाना नहीं बनाना था क्योंकि दीपक ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि बाजू में ऐसे हो गया है तो खाना बिल्कुल नहीं बनाना, तो मैं कंटिन्यूस फ्रिज के ही इसमें लगी पड़ी थी। तो अभी फाइनली मेरा पूरा फ्रिज का सेटअप वगैरह सब कुछ हो गया है एंड मैंने पूरा फ्रिज सेटअप कर दिया है, तो एक लास्ट लुक जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी डेफिनेटली, क्योंकि सुबह से इतनी मेहनत की थी मैंने, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से सब कुछ सेटअप किया है। सो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ रख दिया है, तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं लास्ट वाले ड्रॉअर में रखना मेक श्योर करती हूँ, एंड यहाँ पे सब स्वीट वाला सामान रखती हूँ मैं, जो भी एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ मैं। यहाँ पे सब मैंने एसेंस एंड ऑल रखा है, ड्राई फ्रूट्स इस बार मैंने यही साइड में शिफ्ट कर दिया है, ना कि यहाँ पे रखा है। सो ये फाइनली जो था मेरे फ्रिज का लुक, तो इतनी मेहनत की तो डेफिनेटली एक बार ज़रूर चाहूँगी कि इस मेहनत के ऊपर एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ क्यूरीज है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।